गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट लेमिनर एयर फ्लो। लेमिनर एयर फ्लो का नाम आपने सबने सुना होगा। लेमिनर एयर फ्लो का यूज़ हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वेस्ट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। यदि हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम जो माइक्रोबायोलॉजी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, सूक्ष्म जीव कहते हैं उनको, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जो हम जिनको हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते, उनके बारे में पूर्ण रूप से हमें जानना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए हम कई उपकरणों का यूज़ किए, कई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। इन सभी उपकरणों से हम डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सभी उपकरणों के यूज़ से हम सूक्ष्म जीवों का विलगन, आइडेंटिफिकेशन, कल्चर, उनकी संरचना, उनके फंक्शन आदि की स्टडी करते हैं। अतः हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ से हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका आइसोलेशन, पहचान, कल्चर, स्ट्रक्चर, फंक्शन आदि, इन सभी का हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इसलिए हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जो यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें लेमिनर एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज, ऑटोक्लेव, इनक्यूबेटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पीएच मीटर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स का बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत यूज़ किया जाता है। आज हम लेमिनर एयर फ्लो के बारे में चर्चा करते हैं। लेमिनर फ्लो यूनिट क्रिएट्स डस्ट फ्री ए बैक्टीरियल एयर एनवायरमेंट। लेमिनर एयर फ्लो के अंतर्गत निर्जमीकृत कंडीशंस में कल्चर मीडिया में एक्सप्लांट को ट्रांसफर करने और इनोकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हेपा फिल्टर्स जो है पाए जाते हैं इसके अंदर, और हेपा फिल्टर्स पृथ्वी के 90 डिग्री कोण पर तथा काम करने हेतु इसमें वर्क बेंच पृथ्वी के समानांतर स्थित होती है। एयर फॉर्म द रूम पासेस थ्रू द हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर का जो पूरा नाम है वो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अब्जॉर्बिंग होता है। हिपा फिल्टर्स एंड इज फेड इनटू द वर्किंग चेम्बर बाय ए यूनिडायरेक्शनल वर्टिकल डिसेंडिंग फ्लो फ्रॉम द वर्किंग एरिया। द एयर इज मूव्ड बैक टू द एनवायरमेंट इन द फॉलोइंग वे, पार्टली थ्रू द परफोरेशन इन द बॉटम रियर एरिया ऑफ द कैबिनेट, बट मोस्ट एयर थ्रू द स्पेस बिटवीन द वर्किंग सरफेस ऑफ द टेबल एंड द प्रोटेक्टिंग ग्लासेस। लेमिनर फ्लो हुड इन्वॉल्व ए यूनिडायरेक्शनल एडजक्शन ऑफ हेयर टू द वर्क प्लेस एंड पर्सनल, वेयर बाय फिल्टर्ड एयर इज डिस्चार्ज विद ए रेगुलर एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। इसके अंतर्गत लेमिनर फ्लो के अंदर दो लेमिनर फ्लो दो प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, हॉरिजेंटल लेमिनर एयर फ्लो और वर्टिकल लेमिनर एयर फ्लो। यदि हॉरिजेंटल लेमिनर फ्लो हुड की बात करें तो इसमें 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निर्जमीकृत हवा जो है वो क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती है और जिनमें कक्ष निर्जमीकृत बना रहता है। और वर्टिकल एयर फ्लो हुड की बात करें तो इसमें हवा ऊर्ध्वाधर रूप से प्रवाहित होती है। लेमिनर फ्लो में वायु सबसे पहले फिल्टर के माध्यम से गुजरती है जिसमें इसके बड़े कण फिल्टर हो जाते हैं। इसके पश्चात हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर जिसको बोलते हैं हेपा, उच्च दक्षता युक्त वायु कण ग्लास फिल्टर से गुजरती है जो कि 0.3 माइक्रोम से अधिक बड़े आकार के कणों को फिल्टर करती है। तो इस तरह से जो लेमिनर एयर फ्लो है उसके अंदर दो टाइप के लेमिनर फ्लो होते हैं, हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो हुड और वर्टिकल लेमिनर फ्लो हुड।
हॉरिजेंटल एयर फ्लो हुड की जैसे हमने बात करी है, द एम्बियंट एयर कम्स फ्रॉम द बिहाइंड द लेमिनर एयर फ्लो बेंच, देन इट इज प्रोजेक्टेड थ्रू ए ब्लोअर टुवार्ड्स द हिपा फिल्टर एंड द फिल्टर्ड एयर इज एग्जॉस्टेड इन ए हॉरिजेंटल डायरेक्शन टू द वर्क प्लेस एनवायरमेंट। एयर फ्लो दैट इज ए पैरेलल टू द वर्क प्लेस क्लीननेस द एनवायरमेंट विद ए कंस्टेंट वेलोसिटी। हॉरिजेंटल लेमिनर चेंबर नीड्स ए लार्जर ऑपरेशनल स्पेस एंड मोर डेप्थ टू प्रोवाइड ए जम फ्री एनवायरमेंट एंड हैंस इज मोर डिफिकल्ट टू हैंडल। इस तरह से ये इसमें 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टरलाइज किया जाता है। हवा क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती है जिसमें कक्ष है वो एनवायरमेंट है वो निर्जमीकृत बना रहता है। निर्जमीकृत का मतलब होता है जर्म फ्री बना रहता है। और फिर वर्टिकल एयर एयर फ्लो हुड की बात करें हमने, इसके अंतर्गत हवा जो है वो ऊर्ध्वाधर रूप से प्रवाहित होती है। आवर कंपनी स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वर्टिकल एयर फ्लो लेमिनर कैबिनेट्स। इट इज द मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कंबाइंड टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द एनवायरमेंट। इसमें सभी प्रकार की इम्प्योरिटीज जो है अशुद्धियाँ हैं वो साफ की जाती है, यानी वो साफ हो जाती है। इसके अंतर्गत 0.3 माइक्रोन से जो बड़े आकार के कण हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं। यदि हम इसके मेथड की बात करें तो हम सबसे पहले लेमिनर फ्लो का स्विच ऑन कर देते हैं, उसके बाद में 30 मिनट पहले यूवी लाइट को ऑन कर देते हैं जिसमें निर्जमीकरण पूरी तरह से संपन्न हो जाता है। और उसके बाद में हवा का प्रवाह इस प्रकार रखते हैं कि प्रदूषित हवा बाहर निकल जाती है। काम करने से पूर्व पहले वर्क बेंच हाथों को व ग्लास वेयर को एल्कोहल से साफ कर लेते हैं, मगर सावधानी रखते हैं कि ऐसा करते समय बर्नर ऑफ रहे। स्थानांतरण करते समय बर्नर जला देते हैं और सावधानी पूर्वक सांस अंदर रोककर कार्य करते हैं। इस तरह से हम लेमिनर एयर फ्लो है उसमें इस तरह से लेमिनर फ्लो के अंतर्गत निर्जमीकृत कंडीशंस में कल्चर मीडिया को एक्सप्लांट को स्थानांतरित करके इनोकुलेशन किया जाता है और इसमें एक हिपा फिल्टर लगा रहता है। इसमें सभी आवश्यक उपकरण व सामग्री जैसे स्केल पल पिपेट कटर कैंची चिमटी बुनसन बर्नर निर्जमी फ्लास्क और पेट्री प्लेट ब्लेड आदि वर्क बेंच पर सजे रहते हैं। इनमें पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा इनको निर्जमीकरण किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो। इन दिस कोरोना टाइम यूज मास्क यूज सैनिटाइजर टेक केयर बाय बाय।